तो मैं हम देखते हैं कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, लेकिन लोग जो है ना इस चीज में बहुत सी चीजों को शरीक करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोई पत्थर में कोई ताकत होती है, कुछ खसूसी पत्थर होते हैं, लोग बोले ये पत्थर के अंदर ये फिरोजी बर्थ स्टोन है हमारा। वही यूरिद का भी खैरिन फला रौ दली फदली ही, अगर अल्लाह अच्छा चाहे कोई उस नियामत को तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अच्छा बुरा किसके हाथ में, किसी पत्थर के हाथ में नहीं। फेंग शुई की घंटी लोग लटकाते हैं, बोले ये टिंग 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 बजता है, इससे गुड लक आता है। गुड 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 एंड बैड किसके हाथ में, अगर आप मान लो कि घंटी के हाथ में है, मखलूक इंसान ने बनाया, खुद उस बन नहीं सकती थी जब तक किसी ने उसे बनाया नहीं, हाँ वो खुद मोहताज है, उसे कोई वहां लटकाएगा, हवा आएगी हिलाएगी तो हिलेगी, उसके अंदर कुछ ताकत नहीं है। उसके अंदर कहां से ताकत आ गई, घोड़े का नाल घरों के बाहर लटकाते, बोले घोड़े के नाल में कुछ ताकत है। हाँ क्या है मामला, कुछ ताकत नहीं है। अच्छा बुरा किसके हाथ में, कुछ लोग बोले बच्चे को काला टीका लगा दो नजर नहीं लगेगी। काले टीके में क्या है, काले टीके में क्या है, कुछ नहीं है। बोले काला धागा बांध दो नजर नहीं लगेगी। काले धागे में क्या है, कुछ नहीं है। किसके हाथ में है। देखिए यहां पे दावत हमारी ये है कि सब पर ईमान मत रखो, ईमान उस जात पर रखो जिसके हाथ में हकीकी तौर पे सब कुछ है। जिसके हाथ में सब कुछ है उस पर ईमान रखो। हाँ तो ये हो गई एक बुनियादी बात हम सबके लिए।